क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर इच डाटा इन क्वेश्चन थ्री एंड आंसर द फ्लोइंग्स। और इसमें थ्री क्वेश्चन इसके हैं, ठीक है। ये जो हमने अभी थर्ड क्वेश्चन बनाया था फ्रीक्वेंसी टेबल, उसी से हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है। क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है। और हिस्टोग्राम बनाने के बाद ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले तो हमें हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, हम दो चीज़ लेते हैं यहाँ पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हम एक्स एक्सिस पे वेजेस को रखेंगे और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को, जो नंबर्स में ऑलरेडी आपका दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिया एक्स एक्सिस लिया ये, ठीक है, दिस वन इज़ योर एक्स एक्सिस, ठीक है। और यहाँ से हमने लिया वाई एक्सिस, क्या लिया ये, वाई एक्सिस, ये आपके हो गए वाई एक्सिस। ये ग्राफ पे करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हमने ऐसे कर दिया। ये क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि इसे हमें हिस्टोग्राम में शो करना है। ये वेजेस हम ले लेंगे, वेजेस इन रुपीस, ठीक है। वेजेस हमारा कितने से स्टार्ट हुआ है, 800 से 900 तक, ठीक है ना। सो आप ले लो यहाँ पे 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890 एंड 900। और फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, 9 है। सो आप यहाँ से 9 तक जाओ, ये 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, अगेन 5, 6, 7, ये 8 एंड दिस वन इज़ योर 9 वाई एक्सिस। आप इसको ग्राफ पे करना, बहुत इजी वे में हो जाएगा आपका ये, ठीक है। अब हमें देखना है 800 से 810 कितना है, 800 टू 810 कितना है फ्रीक्वेंसी, 3। सो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे 3 पे ले जाएंगे इसको, यहाँ से आप देखो, यहाँ से आप ये, तो यहाँ से इसको आप ऐसे मिला दो, ठीक है। अभी 800 से 810 हमारा कितना आया, 3 था। सो हमने यहाँ पे 3 को आपको क्या करना है, ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। अगेन 810 टू 820, 810 टू 820 2 है, कितना है हमारा, 2। सो यहाँ पे हमने 2 ले लेना है इसके सामने, और यहाँ से ये आपको ऐसे इसको ड्रॉ कर दो यहाँ। अब ये इसको सीधी लाइन आप खींच डालो, क्लियर हो रहा है ना। अभी 810, 820 टू 830, 820 टू 831 है। सो हमने 1 पे लेना है यहाँ से सीधा, देख लो आप 1 ये आपका हो रहा है, तो ऐसे यहाँ, ठीक है। फिर 830 टू 840, 830 टू 849 है। सो मैं 9 पे जाएंगे, 832 840 कितना है हमारा, 9 है। सो यहाँ पे 832 840 आप 9 पे ले लो, तो नियर अबाउट ये होगा आपका ऐसे, ठीक है। यहाँ से भी ऐसे आप इसको क्या कर लो, मिला दो, सॉरी सॉरी, ठीक, ये आपका हो गया। अगेन 842 850, 842 850 5 है, 842 850 आपका 5 है लगभग ये। सो अपना क्या हो जाएगा, 842 850 5 पे हमने यहाँ पे आ रहा है हमारा, हमने कर दिया। आप ग्राफ पे करना इजी हो जाएगा। 852 860, 852 861 है। सो 852 860 हमने यहाँ पे 1 ले लिया है, ठीक है। 862 870, 862 873। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके सामने ऐसे
हमें थ्री ले लेना है, इसके सामने ऐसे यहाँ से हमें थ्री ले लेना है, ये थ्री आपके हो गया, यहाँ से ऐसे आपको थ्री ले लेना है। 872 880, 872 881 है। अगेन आप यहाँ से ऐसे करके वन आप ले लीजिए। फिर कह रहा है 882 890 की अगर हम बात करें तो यहाँ भी वन है, 882 890 भी आपका वन है। फिर 892 900 फोर, सो 882 904 है यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे यहाँ जाएगा और ये आपके हिस्टोग्राफ बन गया, ठीक है। ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द वर्कर्स, यहाँ पे देखो तो नाइन, नाइन किसका है, 832 840, सो आंसर विल बी 832 840। क्लियर हो रहा है। अगेन क्वेश्चन सेकंड कह रहा है आपका, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 820, 850 एंड मोर, 850 रुपया और 850 रुपया से ज़्यादा कितने वर्कर्स कमाते हैं, 850 या 850 से ज़्यादा कितने कमाते हैं, तो देखो तो 850 से 850 से ज़्यादा या 850, सो 1 3 कितना हुआ आपका, 4 4 1 5 5 6 और 4 10, सो आंसर क्या हो जाएगा आपका 10। 800 या 850 से ज़्यादा कितने कमाते हैं, तो 10 वर्कर्स कमाते हैं। फिर यहाँ कह रहा है हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850 रुपीज़ से कम कितने वर्कर्स कमाते हैं, तो टोटल नंबर्स ऑफ वर्कर्स पता है ना आप कितना था, 30 है, 10 लोग 850 से ज़्यादा कमाते हैं, तो 850 से कम कमाने वाले कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे सिंपली, ये आपके आंसर हुआ।